आप सब, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। नाज़रीन, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे, मौसम के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यूटी जम्मू के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर बात करें तो रामबन ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला जो है रात भर देखने को मिला। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि नवयुगा काजीगुंड टनल से लेकर रामसू सेक्टर तक बर्फ़बारी जो है हाईवे के साथ साथ देखने को मिल रही है। और उसके साथ भी अगर बात करें तो सुबह सुबह जिस तरह से नवयुगा काजीगुंड टनल से लेकर जो बनिहाल का जो सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी जो है इस समय देखने को मिल रहा है। और उसमें अगर देखें तो जो नेशनल हाईवे के साथ में जो मेंटेनेंस की एक जो कंपनी है और उसने सुबह सुबह जो है आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल किया जो नवयुगा टनल से जो एक बड़ा मेगा फ्लाईओवर जो है जम्मू की ओर जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं पर जो है वो स्लिपरी मूवमेंट्स को जो है कंट्रोल करने के गर्ज से आयोडाइज्ड नमक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके साथ में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो है कुछ एडवाइजरी भी जो है आपके लिए है। जो ड्राइवर बरादरी के लोग जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे सफ़र करते हैं, चाहे लाइट मोटर व्हीकल्स की बात करें, हेवी मोटर व्हीकल्स की बात करें, तो उसमें लोगों से ये कहा गया है, जो बड़े गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं उनसे ये कहा गया है कि वो इस बार जो है जब तक ये मौसम ख़राब है वो ज़्यादा ओवरलोड जो है अपनी गाड़ी के अंदर ना भरे, जिसकी वजह से जो है वो उन्हें मुसीबत हो सकती है और दूसरों को भी जो है उससे दिक्कतें हो सकती है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बिल्कुल शेर बीबी से लेकर जो चमलवास तक का इलाका है, कई ऐसे मकामात हैं जहां पर लोडेड गाड़ियों को जो है चढ़ना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। और उसके साथ में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो शेर बीबी वगन के इलाके में जो रोड का एक हिस्सा जो है जो ढह गया था स्लाइड की वजह से, तो उसमें कहीं ना कहीं पे वहाँ पर सिंगल स्पेस है और लोगों से ये कहा गया है जो ड्राइवर बरादरी के लोग हैं कि वो एहतियात बरते। आज की बात करें तो आज सुबह सुबह जो है जम्मू से श्रीनगर की ओर जो है बड़ी और छोटी गाड़ियों को जो है चलने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर मुश्किल शेरबीबी रामसू के स्ट्रेच में जहाँ पर बर्फबारी के चलते जो है काफ़ी ज़्यादा स्लिप जो है वहाँ पर देखी जा रही है, फ्रीजिंग एटमोसफेयर है। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो जो बनिहाल का जो सेक्टर है नवयुगा काजीगुंड टनल के साथ में जो भी जो है वहाँ पर भी जो है थोड़ी सी दिक्कतें हैं, और कई मिनट पहले जो है हल्की बर्फबारी यहाँ पर भी हो रही थी, बिल्कुल पूरे एरिया में जो रात भर जो है दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हुई, लेकिन उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर इस समय जो है हल्की बूंदाबांदी भी फिर से शुरू है और लोगों से कहा गया है कि वो सफ़र शुरू करने से पहले अपने नज़दीकी ट्रैफिक यूनिट्स के साथ भी जो है उनको राबता कायम करना चाहे। और यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ भी बताने की कोशिश करूँगा कि ट्रैफिक अथॉरिटी का ये कहना है कि लोगों को लैंड ड्राइविंग का इस्तेमाल करना चाहे, और उसके साथ में जो बड़ी गाड़ी वाले हैं या छोटी गाड़ी वाले हैं उनको एडिशनल जो है थोड़ा सा फ्यूल जो है गाड़ी में रखना चाहे, ताकि हम देखते हैं कि कभी कभार इस मौसम में जो है कई बड़ी गाड़ियों को जो है तेल की भी दिक्कत रहती है हाईवे पर। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि सफ़र शुरू करने से पहले आप ये देखें कि क्या आपके पास जो है क्या कहीं पे फ्यूल जो है कमी तो नहीं है, क्या आपके पास वो बराबर है, तो उस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। आप देखें कि सुबह सुबह जो है चमलवास के इलाके में मुर्गों से एक बड़ी गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं पे जो है वहाँ पे स्लिप की वजह से वहाँ पे उसकी वजह से भी जो है परेशानी रहती थी रही सुबह सुबह, लेकिन अगर हाईवे पर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसमें भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की अब मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे सुस्त रफ्तारी से ही सही लेकिन ट्रैफिक इस समय जारी है। और उसके साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि नवयुगा काजीगुंड टनल के सामने भी जो है थोड़ा सा जो है रोड जो है वो स्लिपरी है, उसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर है। इसके साथ में शेरबीबी के इलाके में रोड स्लिपरी है, वहाँ पर भी जो है इस चीज़ को देखा जा रहा है, लेकिन आपसे ये कहा गया है कि आप एहतियात से गाड़ी चलाएं, ओवरटेक ना करें, ओवर स्पीड का इस्तेमाल ना करें, और लैंड ड्राइविंग का इस्तेमाल करें, और ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करें, और जहां पर आपको जो है थोड़ा सा समय रुकने के लिए कहा जाता है तो वहां पर आप जो है उस चीज़ का अहतमाम करें ताकि आप ट्रैफिक जामिंग से बचें। लेकिन कल आपने देखा कि कल बिल्कुल लेट आवर्स तक भी जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामसू बनिहाल सेक्टर में जो है ट्रैफिक जामिंग के मनाजर देखने को मिले, लेकिन बुनियादी वजह ये थी कि जो शेरबीबी के इलाके में जहाँ पर रोड की ख़राबी है वहाँ पर सिर्फ सिंगल गाड़ी जो है वो वहाँ पर जा सकती है, और जिसके चलते जो है यहाँ पर कल से ही जो है मुतअद्दिद लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो वहाँ पे फिजिबिलिटी है उसको देखकर सिंगल वे ट्रैफिक को जो है वो चलाया जाए, और जो छोटी गाड़ी है उनको 12 बजे तक ही जो है जब मौसम बेहतर होगा उनको चलाया जाए, चूँकि वहाँ की जो टोपोग्राफी है उसमें ज़रूर ये बात है, चूँकि वहाँ पर जो गहरी जो खाई बनी हुई है और उसमें जो है
समय लग सकता है, और जिसके चलते जो है यहाँ पर दोनों अतराफ के बजाय जो है यहाँ पर सिंगल ट्रैफिक को तब तक चलाया जाए ताकि लोग बेवजह जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे दरमांदा न रहे। और जाते जाते फिर से मैं नाज़रीन आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एक बड़ी खुशखबरी फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है कि बर्फ़ का जो है दूसरा सिपल जो है वो देखने को मिल रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं पर जो है लोगों के अंदर जो है एक बड़ी इत्मीनान की जो चैन की मतलब ये सांस ले रहे हैं सभी लोग, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या उस सेक्टर में सेहत के हवाले से अगर बात करें तो। लेकिन कहीं ना कहीं पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हाईवे का जो मामला है ये एडवाइजरी फॉलो करना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है आज सुबह सुबह जो है जम्मू से श्रीनगर की ओर जो है गाड़ियों को जो है उधमपुर से आगे चलने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन रामसू और शेरबीबी के इलाके में जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो है फिसलन की वजह से जो है दिक्कतें ज़रूर है। और इसके साथ में जो बनिहाल सेक्टर में भी नवयुगा काजी गुंड टनल से लेकर टूवर्ड्स जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी फिसलन की वजह से जो है दिक्कतें ज़रूर है इस समय, और जिसके चलते जो है आयोडाइज्ड नमक जो है इन जगहों पे इस्तेमाल किया गया ताकि सभी जो है उस सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए ये इकदाम किए जा रहे हैं। और सफ़र शुरू करने से पहले लोगों से ये कहा गया है कि वो इन चीज़ों का अहतमाम करें कि वो ओवरलोड जो है गाड़ियों में जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनमें उस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, चूँकि शेरबीबी के मकाम पर जहाँ पर रोड का एक हिस्सा है वह सिंकिंग वाला जो पोर्शन है उसमें फिर जो है आपको दिक्कतें हो सकती है। और ये भी कहा गया है कि आप थोड़ा सा एडिशनल फ्यूल जो है अपनी गाड़ियों में जो है इस मौसम में साथ मतलब रखें, जो कि ट्रैफिक उस एडवाइजरी में हर समय रहता है ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक अगर रूरल एरिया में कोई टाटा सुमो या कोई गाड़ी जो है चलती है तो उनको भी जो है ये डायरेक्शन दी जाती है। और ये इस हमारे कानून में भी है ट्रैफिक के कानून में कि जो दूर अफ्तादा इलाकों में कच्चे रोडों पर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनको तकरीबन एडिशनल जो है फ्यूल रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पैसेंजरों को या ड्राइवर को खुद को जो है वो परेशानी ना हो। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी ये कहा गया है कि आप लैंड ड्राइविंग करें, आप ओवर स्पीड ना करें, और कौमी शाहराह पे जो हालात जो है जो हाईवे की है उसको मद्देनजर रखकर जो है आप इन चीज़ों पर जो है इनका अहतमाम करें। और कहीं ना कहीं पर यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है फिर से सफ़ेद चादर जो है मुख्तलिफ इलाकों में देखी गई। इसके साथ साथ में अगर अपने रामबन ज़िला की बात करूँ तो यहाँ पर भी नवयुगा काजीगुंड टनल से लेकर टूवर्ड्स रामसू सेक्टर तक जो है वो बर्फबारी का सिलसिला हाईवे के साथ साथ में भी देखने को मिला। रामबन ज़िला के ऊपरी इलाकों की बात करें तो जो पहले सिपल में जो है दूर दराज इलाकों में एक फुट से ज़ायद बर्फ़ जो है रिकॉर्ड की गई थी, तो आज भी अगर बात करें तो आधे फुट से ज़्यादा बर्फ़ जो है दूर अफ्तादा इलाकों में रिकॉर्ड की गई, और 5 से 6 इंच बर्फ़ जो है बनिहाल के बिल्कुल टाउन के एडजॉइनिंग एरियाज में रिकॉर्ड की गई, और कहीं ना कहीं भी जो कि एक अच्छे संकेत है। लेकिन हाईवे की मिजाज जो है थोड़े से बिगड़ते हुए नज़र आ रही, तो इसमें जो है आपसे ये कहा गया है कि आप एहतियात से गाड़ी चलाएं, और इस समय जम्मू से श्रीनगर की ओर छोटी और बड़ी गाड़ियों को जो है वह चलने की इजाज़त दी जा रही है। और कहीं ना कहीं पे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जब तक रामसू के इलाके में जो रोड का इस हिस्सा ये जो हिस्सा है जब तक इसको तैयार किया जाएगा, और तब तक सभी लोगों का मानना है कि मुतअद्दिद लोगों का कि इसमें बेटर ऑप्शन है कि लोगों को बेवजह इस कड़ाके की ठंड में ट्रैफिक जामिंग से बचने के लिए जो है वन वे का इस्तेमाल तब तक जो है किया जाना चाहिए जब तक वहाँ पे उस रोड को बेहतर किया जाए। रोड की हालात और मिजाज बेहतर है, आपकी और हमारी भी सलामती बनी रहे, तो इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपका मेज़बान आपसे रुख्सत होना चाहता हूँ। इस उम्मीद के साथ जी बहुत जल्द फिर आप करेंगे आपके साथ मुलाकात। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, आप खुश रहें।